नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। राहुल गांधी सोमवार को संसद सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। राहुल की संसद सदस्यता की बहाली को लेकर आज सुबह से सस्पेंस बना हुआ था और सुबह तक कांग्रेस को यकीन नहीं था कि राहुल की सांसदी आज बहाल हो जाएगी। एनआई ने सूत्रों के हवाले कहा था कि अगर आज राहुल की सदस्यता बहाल नहीं की जाती है तो कांग्रेस नेता मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट जाते। हरियाणा के नुहू में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गट्टा ने तुरंत अधिकारियों को कार्यवाही से रोक दिया। सरकारी डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है, वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें वहां की असलियत और इतिहास के बारे में नहीं पता। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केरल सरकार की विकास के कामों में बहुत कम रुचि है। वे सर्वे और डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने जैसे छोटे कामों में भी बहुत परेशानी पैदा करते हैं। इसके जवाब में केरल के रेल मंत्री वी अब्दुल रहमान ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केरल को पुराने और जर्जर कोच दिए गए हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस भी बाकी राज्यों के बाद दी गई है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 9 चीतों की मौत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि चीतों को देश में बसाने में कुछ समस्याएं जरूर है, लेकिन चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को स्वीकार करते हुए सुनवाई बंद कर दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में चीतों को बसाने के प्रोजेक्ट पर सरकार के सवाल पूछने का कोई कारण नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है, यह भगवान शिव का मंदिर है, इसे मस्जिद कहना बंद करो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छिंदवाड़ा के सिमरिया में राम कथा कर रहे हैं। इसके मुख्य यजमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ है। इंदौर के पास एक टूरिस्ट स्पॉट के कुंड में कार गिर गई है। इस गाड़ी में 12 साल की बच्ची बैठी थी, जिसे बचाने के लिए उसके पिता भी कुंड में कूद पड़े। उन्हें बचाने के लिए आसपास के लोग भी कूदे और बेटी और उसके पिता को कुंड से बाहर निकाल लिया है। दोनों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। सोमवार को जिला कोर्ट में कठेरिया ने MP MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी। अब मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सजा पर रोक लगाने से उनकी सांसदी जाने से खतरा भी टल गया है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आज संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विल्पर्स में नजर आए कपल बोमन और बेली ने अब इसी बीच फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है। कपल का आरोप है कि फिल्म की डायरेक्टर कार्तिकी गोसाल्वेस ने फिल्म बनाते समय उन्हें आर्थिक मदद और बेली की पोती की पढ़ाई में मदद करने का वादा किया। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच एमपी टॉप 5 फेसबुक और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे।